इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मगर स्टार्टिंग से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आने वाले टाइम में आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, नेशनल इनकम को जानने से पहले आपको इनकम को जानना जरूरी होता है कि इनकम का फंक्शन क्या होता है, इनकम क्या कर सकता है, क्या कर सकती है। तो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है, ये बोलता है इट इज अ फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पर जब हमारा मनी इनकम, जब हमारी मनी फ्लो होती है तो वो ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आप ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और ए पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद अगेन आप सर्कुलरली फ्लो करेंगे, सर्कुलरली मूव करेंगे, तो अगेन ए पॉइंट पर कभी ना कभी चले जाएंगे। तो सेम यही इनकम का फंडा होता है, इनकम जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर पहुंच जाती है। इकोनॉमी के अंदर कभी भी इनकम खत्म नहीं होती है, मनी खत्म नहीं होती है, मनी जहां से स्टार्ट होती है अगेन कभी ना कभी वहीं पर पहुंच जाती है। तो ये तो होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके फेजेस देखते हैं, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये होता क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखते हैं, नंबर वन इज, इसके तीन फेजेस होते हैं, वन इज जनरेशन, अनदर वन इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लास्ट वन इज डिस्पोजिशन फेज। तीन फेज में पहला फेज है जनरेशन फेज। देखिए, जनरेशन फेज इसके नाम से पता लग रहा है कि इट इज द फेज ऑफ, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर इनपुट। फर्म क्या करती है, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस लेती है, फैक्टर इनपुट लेती है और उसकी हेल्प से क्या करती है, गुड एंड सर्विस को जनरेट करती है, गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। तो इस वजह से इसका नाम हो जाता है जनरेशन फेज। सेकंड फेज पर आते हैं, सेकंड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या कहता है, इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब क्या होता है बच्चा लोगों, ये क्या दिखाता है कि फर्म ने जो गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किया था, अब वो जो प्रोड्यूस करने के बाद उसने जनरेट की थी इनकम वो फर्म जो है हाउस होल्ड में बांट देता है, इन अ फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकी फॉर्म में वो बांट देता है। अब नेक्स्ट आता है डिस्पोजिशन फेज और द लास्ट फेज ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो। डिस्पोजिशन फेज क्या कहता है, इन दिस फेज इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म। अब क्या होता है बच्चों, जो गुड एंड सर्विसेज, जो इनकम आई है हाउस होल्ड के पास, अब हम लोग, आप लोग क्या करते हैं, उसको स्पेंड करते हैं गुड्स को खाने में, गुड्स को कंज्यूम करने में। तो वो इनकम जब हम कंज्यूम करेंगे वही इनकम कहां पहुंच जाएगी, अगेन फर्म के पास चली जाएगी। तो ये होता है हमारा सर्कुलर फ्लो। देखिए क्या होता है, प्रोडक्शन फेज में हुआ था क्या कि ऐसा हुआ था कि प्रोडक्शन फेज में गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, पहले किसी ना किसी चीज के गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, कोई ना कोई चीज जनरेट होती है। जब गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उससे इनकम जनरेट होती है, और इनकम क्या होती है, वो एज हाउस होल्ड किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बच्चा लोगों, हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि हाउस होल्ड ने इनकम जनरेट करने में मदद की थी किसकी, फर्म की, इस वजह से वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो इनकम डिस्पोज होती है इन अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। जब हाउस होल्ड के पास, जब हम लोगों के पास पैसा आता है तो हम उससे क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, बाहर जाकर मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, ठीक है। तो वो इन अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, अगेन वो पैसा कहां पर पहुंच जाता है, अगेन प्रोडक्शन फेज में, अगेन फर्म के पास पहुंच जाता है। तो ये हमारा सर्कुलरली फ्लो हो रहा है मनी का। देखिए करना क्या है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, अब ये नहीं सोचना है कि इनकम, अगर हमारे पास इनकम आ गया हाउस होल्ड के पास तो हम उसको सेव कर लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो अगेन वो फर्म करता है इन्वेस्ट, हाउस होल्ड थोड़ी नहीं करता है। ज्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर फर्म प्रोड्यूस करती है गुड एंड सर्विसेज तो उसके पास पैसा आता है, उससे वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है हाउस होल्ड को, और जब वो हाउस होल्ड को इनकम देती है तो इनकम क्या होती है, वो डिस्पोज हो जाती है, वो एक्सपेंडिचर करते हैं बाहर जाकर, और ये अगेन उसके पास, फर्म के पास पैसा पहुंच जाता है। तो ये सर्कुलरली फ्लो हो रहा है इनकम का। होपफुली ये आपको वीडियो मदद करेगी ये सारे क्लियर करने में।